हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अभी जो है हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है यूनिट नंबर 5 को हम लोग देख रहे थे, सिंपल मशीन। यूनिट 5 जो है सिंपल मशीन है। तो लास्ट के वीडियो में हमने बताया था सिंपल मशीन के बारे में, कंपाउंड मशीन के बारे में, इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, वेलोसिटी रेशियो के बारे में, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है हम कुछ प्रॉब्लम को किए थे, फार्मूला को बताए थे मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला बताए थे, एफिशिएंसी का फार्मूला बताए थे। जब वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। तो आज जो है ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है हम पढ़ा चुके हैं, ये जो है लेक्चर 2 है सिंपल मशीन का यूनिट 5 का, ठीक है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं उसी का हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए बच्चे लोग, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या है, ध्यान दीजिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन का मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई मशीन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम एफर्ट लगा रहे हैं और एफर्ट को हटा देने के बाद भी वो मशीन जो है काम करता है, लेकिन वो जो है रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, कभी कभी हम नहीं देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ को हम जो है, मान लीजिए स्प्रिंग को है, ठीक है। तो स्प्रिंग को हम कभी कभी ऐसे ऐसे कर एफर्ट लगा के छोड़ दिए, तो फिर भी अब हम एफर्ट लगा के छोड़ दिए फिर भी वो काम कर रहा है, यानी कि जब हम एफर्ट हटा दिए, एफर्ट यानी कि जो हम ताकत लगाएं, वो ताकत को हटा देने के बावजूद भी अगर मशीन काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, पहले ध्यान से डिफिनीशन को समझिए, उसके बाद जो है आपको समझ में। पहले हम डिफिनीशन को लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, sometimes a machine is also capable of doing some work in reverse direction, after the effort is removed, then it is known as reversible of machine, and this action is called reversibility of machine, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ठीक है। reversibility of machine, ध्यान दीजिए, reversibility of machine क्या है, पहले definition को पढ़ लीजिए। sometimes a machine is also capable of doing some work in reverse direction after the effort is removed, then it is known as reversible of machine, and this action is called reversibility of machine। कभी कभी हम जो है एफर्ट हटा देने के बाद भी, मान लीजिए कोई मशीन पर काम कर रहे हैं, ताकत को हम हटा देते हैं, मतलब जो काम जो हम एफर्ट लगा रहे थे वो एफर्ट हटाने के बावजूद भी मशीन जो है रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। कई एक बार हम देखते हैं ना, मान लीजिए लेथ मशीन हम चला रहे हैं, ठीक है, तो लेथ मशीन को हम रोटेट कर रहे थे, अभी जो है जब हम लाइट बंद हो गया, पावर सप्लाई पूरा हम बंद कर दिए, लेकिन फिर भी जो है वो जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं। अभी हम पावर सप्लाई तो ऑफ कर दिए फिर भी वो रोटेट कर रहा है, तो उस
उस जो फेनोमेना हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। यानी कि देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, समटाइम्स कभी कभी ए मशीन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव। मतलब एफर्ट को हटाने के बावजूद भी मशीन काम करता है रिवर्स डायरेक्शन में, देन इट इज़ नोन एज रिवर्सिबल ऑफ मशीन। मतलब ये कहलाएगा रिवर्सिबल ऑफ मशीन। और जो एक्शन हुआ मानी जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। तो ध्यान दीजिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन जो है कब होगा, किस मशीन के पास जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन है, इस पर जो है एग्जाम में जो है आपको न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल है, अर्थात जो है क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को दिया जाएगा, आपको जो है क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या है, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन को आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए आपको 50% से। कब होगा कब होगा आपको जो है, आपका जो है एफिशिएंसी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 50% से, 50% से। मान लीजिए 1/2 कहने का मतलब 0.5 हो गया, 0.5 कहने का मतलब अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा, 50%। यानी कि एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है उस मशीन को हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल मशीन, तभी जो हम उस मशीन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन। अगर नहीं होगा, अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा नहीं है तो मशीन रिवर्सिबल नहीं होगा, अगर 50% से एफिशिएंसी जो है ज़्यादा नहीं है तो मशीन जो है रिवर्सिबल नहीं होगा। चलिए आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेल्फ लॉकिंग ऑफ मशीन, ठीक है, आप लिख लिए हैं, लिख लिए हैं तो हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ लॉकिंग मशीन, ध्यान दीजिए सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग मशीन। देखिए सेल्फ लॉकिंग मशीन जो है रिवर्सिबल मशीन का उल्टा है, यानी कि समटाइम्स ए मशीन इज नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, देन इट इज़ नॉन एज यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन, देन इट इज़ नॉन एज सेल्फ लॉकिंग, देन इट इज़ नॉन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है। यानी कि यहीं तक जो है आपका डिफिनेशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जो हमने जो है डिफिनेशन लिखा था, जो हमने रिवर्सिबल ऑफ मशीन का डिफिनेशन लिखा था, उसका जो है जस्ट उल्टा है सेल्फ लॉकिंग मशीन। समटाइम्स ए मशीन इज नॉट, ए मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव, देन इट इज़ नॉन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन। यानी कि सेल्फ लॉकिंग मशीन उसको बोलते हैं जो एफर्ट हटाने के बाद जो है काम नहीं करेगा, एफर्ट हटाने के बाद एक भी कुछ भी काम नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, अब आपको भी समझ में आ गया होगा। तो रिवर्सिबल का कंडीशन का उल्टा, यानी कि जिसका एफिशिएंसी जो है 50% से क्या होगा, कम होना चाहिए, एफिशिएंसी जिसका जो है 50% से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ लॉकिंग मशीन। जिसका एफिशिएंसी 50% से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ लॉकिंग मशीन। जिसका एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन। अब जो है हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को करेंगे, प्रॉब्लम को बनाएंगे और उसको जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे, चलिए लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम को करेंगे। चलिए क्वेश्चन जो है दिया है, इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ए वेलोसिटी रेशियो ऑफ 30, वेलोसिटी रेशियो 30, ठीक है। तो पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं, गिवन डेटा। एग्जाम में जो है आप कभी भी किसी प्रकार का एग्जाम को लिखते हैं, ठीक है, चाहे आप पॉलिटेक्निक का लिख रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग का लिख रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, जब न्यूमेरिकल पेपर आप सॉल्व करते हैं तो गिवन डेटा जरूर लिखिए,
बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर हम उससे भी अच्छा जानते हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है वो है, लेकिन फिर भी हम कम मार्क्स लाएँ, वो हमसे कम पढ़ने में तेज़ है तो पर भी ज़्यादा मार्क्स ले आया, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है बहुत मायने रखता है। गिवन डेटा लिखिए, टू फाइंड क्या करना है उसको लिखिए, फार्मूला अगर है तो फार्मूला को लिखिए, बॉक्स को बनाइए, ठीक है, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट वर्ड को, ये जो है बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो दिया है, वेलोसिटी रेशियो को हम शॉर्टकट में बोलते हैं VR इक्वल टू 30, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का देयर इज नो यूनिट फॉर वेलोसिटी रेशियो, सो इसको हम लोग लिख लिए। कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन, लिफ्ट ए लोड, लोड लोड को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो कल जो है हम आपको बताए थे लोड को हम लोग W से डिनोट करते हैं, लोड का मतलब W, ठीक है। तो W इक्वल टू दिया है 1500 न्यूटन, विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन। तो ये क्या है, एफर्ट है, ठीक है। तो एफर्ट हो गया, एफर्ट को हम लोग डिनोट करते हैं P से, तो P इक्वल टू 125 न्यूटन। Determine the machine is reversible or not। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मशीन जो है रिवर्सिबल है कि नहीं है, ये हमको बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है मशीन जो है रिवर्सिबल है कि नहीं है, ये बताना है। तो रिवर्सिबल कब होगा, रिवर्सिबल जब होगा जब एफिशिएंसी जो है 50% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना रिवर्सिबल होगा। तो हम चेक करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है MA डिवाइडेड बाई VR। जो पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं लिंक, आप जो है पहला लेक्चर को देख लीजिए। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है MA बाई VR, और MA का फार्मूला होता है W बाई P। MA का फार्मूला होता है W बाई P। तो ये दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। MA का फार्मूला होता है W बाई P, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है MA बाई VR। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम MA निकाल लेते हैं। तो MA निकालेंगे, तो MA इक्वल टू W बाई P। तो W कितना दिया है, W दिया है 1500 डिवाइडेड बाई P, P दिया है 125। तो यहाँ से जो है आप जो है डिवाइड कर दीजिए, हम जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है आंसर आएगा 12, क्या आएगा 12, यानी कि MA इक्वल टू कितना हो गया, MA इक्वल टू 12। देयर इज़ नो यूनिट फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसका भी यूनिट हो गया न्यूटन, इसका भी हो गया न्यूटन, न्यूटन जो है कैंसल हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी का फार्मूला है MA बाई VR। तो MA कितना है, तो MA हम निकाल लिए 12, VR कितना है, VR है आपका जाके वेट लिफ्टिंग मशीन वेलोसिटी रेशियो, VR इक्वल टू 30, VR कितना है 30 है। तो 12 डिवाइडेड बाई 30, कैलकुलेटर में आप जो है वैल्यू को पुट कीजिए, तो हमने जो है वैल्यू को पुट किया तो आपका आया 0.4, कितना आ गया 0.4, तो एफिशिएंसी आ गया 0.4, तो ध्यान दीजिए जब एफिशिएंसी जो है 0.4 आ गया, तो आपका जो है परसेंटेज अगर हम पूछें तो क्या कितना होगा, तो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू 0.4 इंटू 100 होगा, तो यानी कि हो जाएगा 40%, एफिशिएंसी इक्वल टू 40%। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइन द मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट, तो अभी जो है एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी कम है 50% से, यानी कि हेंस द मशीन इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी कि मशीन जो है रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो है 50% से कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन से जो है थोड़ा सा हटकर है। तो क्वेश्चन है ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो
50 कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन विद द एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज द मशीन इज रिवर्सिबल नेक्स्ट इफ सो व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग तो सेकेंड क्वेश्चन जो है टू पार्ट में है दो पार्ट में है ठीक है पहला पार्ट जो है आप भी बना सकते हैं पहला पार्ट जो है पहला क्वेश्चन का जो है सेम प्रोसेस है ठीक है दूसरा पार्ट में जो है क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे तो पहला बात जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी रेशियो दिया है लोड दिया है एफर्ट दिया है ठीक है वेलोसिटी रेशियो दिया है नंबर वन नंबर टू में लोड दिया है नंबर थ्री में एफर्ट दिया है तो सबसे पहले पूछ रहा है कि रिवर्सिबल है तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा एफिशिएंसी रिवर्सिबल है कि नहीं ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ तक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है उसके बाद कह रहा है इफ़ सो व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिंग अगर रिवर्सिबल है तो कौन सा एफर्ट लगाएंगे कि मशीन जो है पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग के जगह पर आ जाएगा ठीक है तो उसको हम समझेंगे पहले हम रिवर्सिबल है कि नहीं पहले वो चेक कर लेंगे तब ना हम आगे का प्रोसेस में जाएंगे तो चेक करेंगे ठीक है तो गिवन डेटा हम यहाँ लिखेंगे गिवन क्या दिया है वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू 50 VR इक्वल टू 50 लोड यानी कि W इक्वल टू 4 किलो न्यूटन दिया है ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स 4 किलो न्यूटन का मतलब 4000 न्यूटन हो जाएगा 4000 न्यूटन द एफर्ट इज 100 न्यूटन एफर्ट को हम लोग डिनोट करते हैं P इक्वल टू 100 न्यूटन वेरी गुड अब जो है हमें फाइंड करना है रिवर्सिबल है कि नहीं हम जो है क्वेश्चन का पहले जो है फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं ठीक है तब जो है सेकंड पार्ट में जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट पार्ट में जाते हैं तो रिवर्सिबल है कि नहीं है उससे हमको कैसे पता चलेगा तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है MA/VR और MA का क्या फार्मूला होता है MA का फार्मूला होता है W/P हम क्यों बार बार फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए ठीक है अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज MA तो MA इक्वल टू W/P तो W कितना है 4000 W इक्वल टू 4000 न्यूटन इट इज़ गिवन एंड P का मतलब एफर्ट तो एफर्ट हाउ मच गिवन 100 इट इज़ गिवन 100 सो 1010 कैंसिल सो MA इक्वल टू अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 40 मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 40 हो गया अब देखिए अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है MA/VR तो एफिशिएंसी इक्वल टू MA 40 40 दिया है और VR दिया है 50 VR कितना दिया है 50 ठीक है कोई डाउट नहीं ना तो ये 0 0 जो है कैंसिल हो जाएगा यानी कि एफिशिएंसी इक्वल टू 4/5 ठीक है तो 4/5 का मतलब 0.8 यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू 0.8 × 100 तो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू निकल गया आपका 80% कितना निकल गया 80% तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं है तो रिवर्सिबल के लिए कंडीशन है एफिशिएंसी जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए तो 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी है 80 आ गया 80 आ गया तो रिवर्सिबल है तो हाँ है यानी कि हम यहाँ तक लिख सकते हैं यानी कि हेंस द एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50% सो द मशीन इज रिवर्सिबल यहाँ तक जो है हम सॉल्व कर दिए अब जो है हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ठीक है नहीं तो हम आगे का प्रोसेस को करेंगे अब ध्यान दीजिए पहले लिख लीजिए उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस को करते हैं चलिए अब हम इरेज करते हैं देखिए क्वेश्चन जो है बहुत जो है गजब का क्वेश्चन पूछा है अब पूछ रहा है इफ सो अगर है अगर रिवर्सिबल है 80% आया तो रिवर्सिबल है व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड एफर्ट का मतलब पी यानी हम जो है पूछ रहा है कि पी कितना होगा एफर्ट का मतलब पी व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग
एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, मतलब कि पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग का मतलब कितना एफर्ट लगाएंगे कि एफिशिएंसी जो है 50% होगा। पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग यही ना है, यहीं से ना स्टार्ट होता है। पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग का मतलब यहीं से तो स्टार्ट होता है। अगर 50 हो गया, 50 हो गया तो ये जो है 50 से ज़्यादा अगर हो गया, चाहे 50 हो गया तो क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग यही है, 50 क्या है, पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग है। पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग क्या है, 50 है। अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा, उधर जाएगा। अब 50 से ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग का मतलब 50%। तो कितना एफर्ट लगाएंगे, कितना एफर्ट लगाएंगे कि इस मशीन का एफिशिएंसी 50% होगा, यही क्वेश्चन है। सो व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज एट पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, मतलब कितना एफर्ट लगाएंगे कि मशीन जो है 50% इसका एफिशिएंसी होगा। तो ध्यान दीजिए, तो W तो दिया है, W कितना दिया है, तो W जो है 4000 न्यूटन है, ठीक है, 4000 न्यूटन है। अब हमें पूछ रहा है P, क्या पूछ रहा है P, तो ध्यान दीजिए एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, MA/VR, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो, और MA का फार्मूला हो जाएगा W/P। तो एक और P तो था ही, पहले से तो P था तो उसको तो हम नहीं जाएंगे, तो इसको हम P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P1। तो यहाँ पर हम डाल देंगे P1, यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू डालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W कितना है, 4000। तो 4000 डिवाइडेड बाई P1 हो जाएगा, क्योंकि हमको P1 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू MA/VR। तो पूछ रहा है पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, यानी कि 50% हमको एफिशिएंसी आना चाहिए कितना एफर्ट पर। तो एफिशिएंसी दिया है 50 का मतलब 0.5, क्योंकि सब वैल्यू तो हम लोग इसी तरह से लिख रहे हैं, कोई परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 0.5। एफिशिएंसी इक्वल टू 0.5। एमए का वैल्यू कितना है, 4000 डिवाइडेड बाई P1, और VR का वैल्यू, तो VR जो है, VR क्वेश्चन में दिया है, VR दिया है 50, VR कितना दिया है 50। अब हमें P1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो P1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से P1 का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो सबसे पहले ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 50 इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई P1, ठीक है। अगर P1 इक्वल टू करेंगे तो P1 इक्वल टू 4000, ठीक है, P1 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 50, यानी कि यहाँ से आपका एफर्ट का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेटर में जो है आप फटाफट जो है इसको जो है रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 160 न्यूटन। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट द मशीन इज एट पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, यानी कि 160 न्यूटन अगर लगाएंगे तब मशीन जो है पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग में हो जाएगा, यानी कि 50% इसका एफिशिएंसी आएगा। तो यही जो है क्वेश्चन था। तो आज जो है हम लोग जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन देखें, सेल्फ लॉकिंग मशीन देखें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन पर जो है क्वेश्चन ये पूछा है, जो क्वेश्चन हम कराएं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है SBT बिहार अर्थात डिप्लोमा जो SBT बिहार है उसमें जो है क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को जो है हम कराएं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आगे के लेक्चर में जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।